नमस्कार सभी को। अभी आपने देखा नाटक यम की हार, जिसका निर्देशन किया था जयपुर के युवा रंगकर्मी जितेंद्र शर्मा जी ने और सह निर्देशन किया था शुभम गर्ग ने। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। आप जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं या जो भी ऑडियंस बैठी है, आप सभी को बताना चाहेंगे कि पिछले 15 दिनों से 10 जून से लेकर हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप का मकसद छोटे बच्चों को जिन्हें थिएटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन बच्चों को थिएटर के साथ जोड़ना, एक उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो थिएटर के साथ जुड़ सकें और जिंदगी के बारे में और चीज़ें सीख सकें। तो रंग संवाद है, थोड़ी बातचीत दोनों कलाकारों के साथ, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये बच्चों के बारे में और जो भी इनका टोटल एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जितेंद्र, आप हमें ये बताइए कि थिएटर को आप कितना सार्थक मानते हैं, थिएटर का क्या महत्व है जिंदगी में? आप जितेंद्र क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा जरूरी है कि अगर किसी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री
थिएटर जाते हैं, उनके बहुत बड़े प्लेस होते हैं, उनकी वाइफ है जो वो रेस करते हैं, लेकिन वो लोग इतने अच्छे रेस करते हैं, मतलब जो वहाँ के कलाकार हैं वो देखने जाते हैं, वो इतना अच्छा कैसे करते हैं जबकि वो अपनी जॉब पर जाते हैं। बच्चों की बात है तो बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर में जाए, थिएटर करना आपको वही बात फिर से वही कहना चाहूँगा कि इंसान बनाता है, इंसान को एक इंसान से जोड़ता है, थिएटर में आप इतनी सारी कहानियाँ वही फिर वही बात आ रही है, मैं जो देखता हूँ वही बता रहा हूँ आपको कि अभी मोबाइल से ही हो सकती है। अभी थिएटर में क्यों बोलना पड़ता है कि आप अपने फोन स्विच ऑफ कीजिए, साइलेंट कीजिए, आधा घंटा किसी के पास सही है, लेकिन जब थिएटर करते हैं तो हम बहुत सारी कहानियाँ पहले जो थी हमारी संस्कृति थी, जो हमारी है कल्चर है कि घर पर रात को लेटे रहते थे, दादियाँ कहानी सुनाया करती थी, तो कहानियों में कोई बात होती थी, कुछ ज्ञान होता था, कोई ना कोई छोटी चीज़ होती थी तो हमें सीख लोक कथा कराने के पीछे
कारण यही था कि हम सबसे पहले कोई हार्ड स्टेप लेना चाहते कि आप सबसे पहले ही नहीं बच्ची है उसने डायलॉग सुना था तो मैं जब फर्स्ट डे उसका डायलॉग सुना था कि कैसे बोल रहे थोड़ा सा मैंने उसमें करेक्शन भी किया कैसे लव्या है या और भी बच्चे हैं नमन है तो इन सब ने इतना अच्छे से काम किया कि क्योंकि ये डायलॉग थोड़े मिस थे हिंदी में थे प्योर हिंदी यहाँ ये पंजाबी बोलते हैं या फिर इंग्लिश ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है हिंदी का कल्चर खत्म हो गया मतलब ऐसी भाषा सोचने लगी कि गरीबों की भाषा ये बहुत मतलब बेकार चीज है थिएटर हमें हिंदी में सिखा या आपकी स्पीच कितनी अच्छी होनी चाहिए किसी से बात करो तो हाँ किस तरीके से किस लय से लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं इज्जत कर सकते हैं जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो 7-8 दिन वर्कशॉप के बाद मुझे लगा कि ये बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं हमने 2 दिन बैठ के कहानियाँ पढ़ी अच्छे से फिर इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया क्योंकि ये तो कहानी की नाटक के लिए डायलॉग्स वगैरह लिखे इसके फिर इनसे करवा के देखा कि कौन क्या कर सकता है बस हमने इनसे करवाया इनको ये बोला कि बेटा करिए बाकी सब कुछ इन्होंने किया उसमें हमारा कोई वो नहीं योगदान तो आप बठिंडा के बच्चों को देख सकते हैं अपने नाटक में देखा ही कैसे बच्चे बिल्कुल सही कहा उन्होंने टैलेंट हर जगह के बच्चों में है ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और एक चीज जो मैं आप लोगों से भी डिस्कस करना चाहूंगी पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हैं पेरेंट्स का मुझे लगता है आजकल थिएटर को लेके या कला को लेके अवेयरनेस कम है तो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अवेयर हैं जिन्होंने खुद अपने समय पे थिएटर किया है वो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं लेकिन अभी भी बहुत क्योंकि मैं जब उस वर्कशॉप को हमने शुरू करा था तो काफ़ी मुश्किलें आई बहुत सारे पेरेंट्स को बताना पड़ता था कि हम वर्कशॉप में क्या करेंगे तो अगर हम उनको बताते थे कि हम इम्प्रोवाइजेशन कराएंगे या ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे तो हमें उनको समझाना मुश्किल हो जाता था कि इसका क्या बेनिफिट है क्योंकि कुछ चीज़ें शायद एक्सपीरियंस से सीखी जाती हैं आप उनको एक्सपीरियंस करोगे तभी वो चीज़ें आएंगी और मैंने पर्सनली जाकर बहुत सारे पेरेंट्स को जब ये बताया आप विश्वास नहीं मानेंगे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जब मैंने उनको बताया कि इस तरीके से हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये इसका मोटिव है तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि थिएटर क्या है हमें आप समझाइए तो अगर हम दूसरी भाषा में समझाते हैं कि अगर हम इसमें एक्टिंग करवाना चाहते हैं तो कहते नहीं जी हम अपने बच्चे को एक्टर नहीं बनाना चाहते तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है मुझे लगता जिसमें पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत जरूरी है तभी हम ऐसी कला को थिएटर को आगे बढ़ा सकते हैं ऑडियंस में से अगर कोई सवाल पूछना चाहें जितेंद्र से शुभम से तो आप सवाल कर सकते हैं नमस्कार मैं सवाल तो नहीं पूछना चाहती पर मैंने डेली आपके इन दोनों जनों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए जरूर देखा है अगर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि मैम आके बैठ जाते पर मैंने इनको देखा है कि उन्होंने बच्चों को किस ढंग से ट्रेन किया है उसके लिए मैं इनको थैंक्स भी करना चाहूंगी और चाहूंगी कि फिर जल्दी जल्दी आप चक्कर लगाओ ये नहीं कि आप समर वेकेशन में ही आओ सिर्फ क्योंकि जैसी कंडीशन थी वहां में भी गर्मी है या नहीं है उसमें दोनों जने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे और हमारे बच्चों को कुछ नया भी सीखने को मिला है यहाँ पे और सर आप ये प्रॉमिस करके जाओगे हम सबसे कि आप दोबारा और जल्दी आओगे जैसे कि मैम ने कहा है कि अगेन गर्मी की प्रॉब्लम है बाकी चीज़ों की तो आप जितेंद्र क्या मानते हैं थिएटर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जैसे आज हमें वैसे काफ़ी दिक्कतें आई हैं जो दिक्कतें सभी के सामने हैं और मुझे लगता है ये बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें हैं तो हमें भी पर्सनली बहुत सारी दिक्कतें आई हैं डिजिटल हो गया सब कुछ तो सबके पास आजकल फोन में सब कुछ है अभी भी ऑन करो देख लो आराम से लेकिन वही बात फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो लाइव जो है संवाद दोस्त तो फेसबुक पे भी बहुत सारे हैं लेकिन बैठ के जो गप्पे लड़ाने का जो आनंद है वो फेसबुक पर ही आता है ऐसे लाइव की जो बात है हम इनसे कनेक्ट होते हैं जुड़ते हैं वही बात की लाइट चली गई सबके फ्लैश ऑन हो गए क्यों क्योंकि हमें देखना था उनसे जुड़े हुए हमें अच्छा लगता है टच परफॉर्म करते हैं दिक्कतें देखिए दिक्कतें कुछ नहीं है गर्मी अगर हो रही है तो आप अपने बच्चों को सिखाइए कि गर्मी में कैसे रहते आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमने अच्छी बात है कि हम आज संपन्न हैं हमारे पास सब कुछ है बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छी परवरिश कीजिए अच्छे से रखें ये बहुत अच्छी चीज़ है हमें रखना भी चाहिए लेकिन उनको मिट्टी से भी जोड़िए आप लोगों ने भी तो अपनी जिंदगी जीरो से शुरू
करके आप उस लेवल तक पहुंचे हो ना, तो आप उसको उसकी कीमत समझेंगे ना कि ये कैसे मिल रहा है, तभी उसको उसकी वैल्यू। अगर उनको सब कुछ ऐसे ही मिल गया बड़े आराम से बड़े प्यार से, शायद कमजोर रह जाए। आप उनको थोड़ा गर्मी दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, गर्मी लगती है, काम तो करना पड़ेगा। अभी आगे जाके तो आगे बहुत सारी चीजें, आगे बाहर जाएंगे, काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ये तो पूरा वैश्वीकरण जब से हुआ है बहुत ज्यादा बढ़िया। इंडिया में लोग देश अच्छे से रहते हैं, बहुत जरूरी है कि आप छोटी छोटी चीजों को जुड़े, उन्हें देखें और हर चीज का एक्सपीरियंस लें। ये एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, अनुभव से ही आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। टेक्निक्स होती हैं सीख सकते हैं हम, छोटी छोटी चीजें होती हैं उससे पकड़ सकते हैं, लेकिन एक्टिंग ये जो है जो भी चीज़ें हैं अनुभव ही आती है। हम जो कहते हैं कि कोई भी कोई बात हो गई तो बुजुर्गों से सलाह हो गई, कोई बता सकते हैं, क्योंकि हम अपनी दादी के पास या दादा के पास जाते हैं कि मेरे से ये सब कुछ हो गया, आपने क्या, हम क्यों खुद क्यों नहीं कर लेते वो चीज़, क्योंकि हमें उस चीज़ का अनुभव है ही नहीं कि कैसे हो। इसलिए बच्चों को सारे अनुभव दीजिए, सेमिनार लीजिए, मनाली घुमाने ले जाइए, कहीं रेगिस्तान में ले जाइए, राजस्थान में आइए, आराम से काफ़ी अनुभव हो गया इस गर्मी का। और दर्शकों में से और कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो नाटक से रिलेटेड कोई और सवाल अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी पेरेंट्स। देखिए आपको सवाल पूछने हैं तो जल्दी पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है किसी को तपाना अच्छा है लेकिन जलाना अच्छा नहीं। बच्चे परफॉर्म करके बैठे हैं पीछे, उसकी एनर्जी काफी वेस्ट हो चुकी है उनकी। अगर आप सवाल पूछना चाहें तो प्लीज। बच्चों को एक बार मैं आगे बुलाना चाहूंगी, कोई है बच्चे तो अगेन पेरेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, शुभम, आप लोग जयपुर से आए, हमने ये रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाया और ये 15 दिन मुझे लगता है मेरी जिंदगी के भी बहुत यादगार दिन होंगे, क्योंकि हमने बड़े बच्चों के साथ पहले काफ़ी वर्कशॉप की हैं, लेकिन 8-9-10 साल के बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी वर्कशॉप में होती थी, छोटी छोटी बच्चों को दिक्कतें आती थी, मैम इसने मुझे ये कर दिया है, मैम ये मुझे मुक्का मार रहा है, मैम इसने मेरे बाल खींच दिए, तो मुझे ऐसे लगता था कि इन बच्चों को माँ बाप को संभालना कितना मुश्किल होगा, इनकी इतनी दिक्कतें हैं, ये 3 घंटे में हमें ऐसे कर देते हैं। सो सैल्यूट है पेरेंट्स को जो बच्चे संभालते हैं बाकी। सो इन बच्चों के साथ अलग अनुभव रहा, हमने इनको जो सिखाया लेकिन मुझे लगता है इन बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन होती थी, कई बार हम लोग भी हैरान रह जाते थे कि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और हमें बताते हैं, मैम ये ऐसे इसलिए हुआ, ये क्यों हुआ, और उनके जो प्रश्न होते थे बाकी उनकी जो क्यूरियोसिटी है एंड वो कीन लर्निंग बिहेवियर है उनके बारे में बताता है। तो धन्यवाद आप दोनों का, आप यहाँ पे आए और अपने बच्चों के साथ 15 दिन मेहनत की और इतना अच्छा दे रेडी किया, शुक्रिया। बेटे के लिए लोग इतना सोचते नहीं है, सब अपने अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन आपने बच्चों के लिए सोचा और ये वर्कशॉप ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप आगे भी ऐसे अच्छा स्टार्ट कीजिए ताकि बच्चे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।